मुझे नहीं जानते, मैं हूँ युकी युकी पीरी पीरी, मैं लोगों को हंसाती हूँ। ऐसे प्रोग्राम देखने से मुझे नींद आ जाती है। मॉम, ये दीदी बिल्कुल योशिनागा मैम जैसी दिखती है ना? लगती तो है। एक बात बताऊँ? देखो भूलना मत। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो है ना मॉम? आई आई, इसे देखकर अचानक से मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात मॉम? आज सुबह योशिनागा मैम ने मुझसे कहा था, आजकल शिनचैन कई चीजें भूल जाता है, इसलिए क्या आप उसका थोड़ा ध्यान रख सकती हैं? तो मुझे तुम्हारा आज से खास ध्यान रखना होगा। अब मैं इतना भी खास नहीं। चुप रहो तुम। अच्छा तो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट, कल मिलेंगे। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मॉम मुझे छोड़िए ना, सोने जाना है। शिनचैन बेटा, चीजें भूलना बुरी बात होती है। बिल्कुल सही कहा मिच्ची ने, अगर तुम बड़े होकर भी चीजें भूलते रहोगे तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि अगर तुम बड़े होने पर ऑफिस जा रहे हो और इम्पोर्टेंट पेपर्स भूल गए और मीटिंग में उन पेपर्स की जरूरत है तो क्या होगा? लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में तुम्हारी प्रमोशन कैसे होगी? ये तो बहुत ही सीरियस बात लगती है डैड। बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें कुछ भूलना नहीं है, समझे? लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा कि मुझे कुछ नहीं भूलना। वैसे क्या बताऊं शिनचैन बेटा, मुझे भी बचपन से ही भूलने की आदत है। शिनचैन, तुम्हारे स्कूल से लेटर आया था ना, वो कहाँ है? कोई भी लेटर नहीं आया। जाओ जल्दी से अपना बैग लेकर आओ। ये तो रहा लेटर। तुमने तो कहा था कि लेटर नहीं है, तो ये क्या है बोलो। मॉम, मैं दरअसल इस लेटर के बारे में भूल ही गया था। इतनी जरूरी चीज तुम कैसे भूल सकते हो? बताओ इसमें लिखा क्या है? इस लेटर में लिखा है कि कल तुम्हें स्कूल में कलर्स लेकर आने हैं। हाँ हाँ, और साथ में ड्राइंग बुक और रबर और शार्पनर और स्केल भी। ये तो मुझे अब क्यों बता रहे हो? ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे कि तुम्हारी मैम ने लेटर दिया है तुम्हें। अच्छा वैसे तुम्हारे कलर्स कहाँ रखे हैं? सोचता हूँ। अगर नहीं मिले तो तुम कल क्या करोगे? ऐसा करता हूँ, कल स्कूल ही नहीं जाता। अगर तुमने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो मैं अब तक ढूंढ कर रख लेती। अब ज्यादा मत बोलो शिनचैन। तुम भी जरा चीजें याद रखा करो मिच्ची। मॉम ये बहुत बुरी बात है, आप चीजें भूल जाती हैं। मैं भूलती हूँ? कहाँ रख दिया? यहाँ भी नहीं है। कहीं भी नहीं मिल रहे। मिल ही नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा शिनचैन ने कहाँ रख दिए हैं। यहाँ बैठकर टीवी देखना बंद करो और जाकर अपने कलर्स ढूंढो। बहुत नींद आ रही है मॉम। हाँ अरे सच में बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था। अगर मैं कल सामान नहीं लेकर गया तो टीचर बहुत गुस्सा होंगी। तुम सो जाओ, डैड और मैं मिलकर ढूंढ लेंगे। तो ठीक है, अगली बार से। रहने दो मिच्ची, उसे सोने जाने दो, हम दोनों मिलकर कलर्स ढूंढ देंगे। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो? नहीं मिले तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आप और मॉम मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ कहा तो था, लेकिन ढूंढे कहाँ? हमने सारी जगह तो देख ली है। यहाँ तो नहीं कहीं? मुझे नहीं लगता इसमें होंगे। तो मुझे ये रहे। हाँ? अरे यही है, ये देखो। हाँ? पर यहाँ इन्हें किसने रख दिया? पता नहीं शिनचैन, तुम्हारे कलर्स मिल गए बेटा। ये क्या है? लेकिन कलर्स कहाँ चले गए? शायद यहीं कहीं होंगे। चलो मिल तो गए सारे। मिल तो गए हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है हैरी। ये बात भी है। अगर शिनचैन ने पहले बताया होता तो मैं मार्केट से खरीद लाती। पर अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना? ओ हाँ, स्टेशन के पास वाली दुकान खुली होगी, आप अभी वहाँ जाकर ले क्यों नहीं आते हैरी? मुझे जाना पड़ेगा। अरे अब तो मैं नाइट ड्रेस पहन चुका हूँ मिच्ची। तो बदल लीजिए। तुम्हें तो पता है मिच्ची, जब मैं नाइट ड्रेस पहन लेता हूँ तो उसके बाद फिर मैं बाहर नहीं जाता हूँ। मुझे पता है कि आप एक अच्छे डैड हैं, आप शिनचैन के लिए जरूर करेंगे, करेंगे ना? हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। इस बार तो मैं ये कर देता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगली बार भी जब शिनचैन को ऐसा कहा जाएगा तो वो फिर चीजें भूल जाएगा और मुझे ही जाकर चीजें लानी पड़ेंगी। इसके बारे में तुम क्या करोगी? ठीक है हैरी, वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा, मैं उसे समझा दूंगी। इस बार प्लीज ले आइए ना। ये
इतनी ठंड में भी मुझे ही जाना पड़ेगा। कलर्स लेने के लिए ठंड में जाना पड़ा। दोबारा ऐसी चीजें बताना मत भूलना। मैं आपकी बात समझ गया डैड, आगे से हर चीज याद रखूंगा। वाह, मैं भी यही चाहता हूँ। और अगले दिन आज तो मैं शिनचैन का बैग चेक करना ही भूल गई। हैरी, क्या कहा? स्कूल से कोई लेटर मिला था? कुछ मिला तो था। बैग में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, कुछ नहीं मिला था। ठीक से याद है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? शिनचैन, तुम्हारे कपड़ों में एक लेटर मिला है। हाँ, याद आया। मैंने सोचा था मैं इसे संभाल के रखूंगा जिससे आपको बताना ना भूलूं। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने इसमें रखा है? आपने पहले चेक क्यों नहीं किया? अरे पढ़ो, लिखा क्या है उसमें? लिखा है मिल्क का एक खाली पैकेट लाना है। अरे कल जितने भी खाली पैकेट थे मैंने सारे फेंक दिए। अब क्या करें? मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गुस्सा मत करो, कुछ तो करना होगा हमें। हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगी। तुम चुप रहो। अरे बच्चों पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब आप ही बताइए हैरी कि हम करें तो क्या करें? नए पैकेट से मिल्क को किसी दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मिल्क को तो सीधा मिल्क पैक से ही पीना चाहिए। ये कौन सी बात हुई भला? मॉम, अब हम क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते, हमें योशिनागा मैम को सच बोलना पड़ेगा। हा? अरे नहीं नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पड़ोस की आंटी से खाली मिल्क पैक ले आओ? मैं क्यों जाऊँ मॉम? क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकते? मुझे शर्म आती है। तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन उनके पास अगर नहीं हुआ तो तुम किसी और से पूछ लेना। ठीक है। और अगर ना मिले तो सीधे घर चले आना फिर। क्या सच में? तो फिर ये बताइए हैरी कि हम खाली मिल्क पैक लाएंगे कहाँ से? या आप ये चाहते हैं कि सब ये कहें कि हम भी शिनचैन की चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं? इसलिए मैंने उसे जो करने को कहा है वो उसे करने दीजिए। इस वक्त तो मिक्सी किसी शेरनी की तरह लग रही है जो अपने बच्चे को पहाड़ी पर चढ़ना सिखाना नहीं चाहती है। ये मुझे पड़ोस वाली आंटी से खाली दूध का पैकेट मिल गया। ये अच्छी बात है ना, मैं आंटी के पास पैकेट मांगने चला गया, अब मुझे स्कूल में डांट नहीं पड़ेगी। देखा ना, मैं कितना समझदार हूँ। अच्छा काम किया तुमने बेटा। जब तक आप यहाँ पर
अच्छा क्या बात, टेस्टी खाना तो मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, आप दोनों चाहें तो इस जगह बैठ सकती हैं। आपका शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज खाने का मजा आ जाएगा। क्या बताएं कि आप क्या काम करती हैं? मैं एक अच्छा काम करती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये तो अच्छी बात है। आपकी हॉबी क्या है? जाते तो खाने को कुछ अच्छा मिल सकता था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।